अभी हम आ चुके हैं टेस्टिंग करने वर्ल्ड्स बेस्ट फॉग लैंप, और जो कि है मॉन्स्टर विजन के साथ में उसकी टेस्टिंग होने वाली है अभी, तो इसलिए रात वाला टाइम अपन आ चुके हैं। प्रॉपरली आगे देखोगे तो आप बिल्कुल अंधेरा है, तो ये बाइक वाला निकल जाए तो अंधेरा दिखेगा पूरा। हालांकि जो उसका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा साथ में नेक्सॉन खड़ी हुई है जिसके अंदर भी अपने फॉग लैंप्स जो है आईपीएच वाले डले हुए, तो उनका कंपैरिजन भी आने वाला है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फॉग लाइट है, और इसका एक रीज़न है क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर अभी जो फॉग लाइट्स है वो अलग अलग फॉग लाइट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि फर्स्ट वाली अगर बात करते हैं तो हमारी ये आईपीएच वाली होगी, एक सेकंड आती है लेज़र, और ये जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लेज़र मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। लेज़र का जो काम होता है वो दो बीम निकालता है, अगर जैसे मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़ अभी चालू करके इसको, तो डायरेक्ट दो लेज़र निकलते हैं और आगे के लिए फोकस करते हैं, मतलब स्पॉटलाइट की तरह काम करते हैं। और अपनी जो नॉर्मल आईपीएच वाले प्रोजेक्टर आते हैं जो कि नेक्सॉन में लगे हुए हैं वो बिल्कुल एक फ्लड लाइट की तरह काम करते हैं, और ये है उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मतलब ये फाड़ होने वाला है, इसका आउटपुट आपको पहले ही बता देता हूँ। हालांकि कंपैरिजन वीडियो जो होने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, बट स्टिल अगर बात करते हैं आईपीएच की इससे, क्योंकि हमने इसमें बेलनो के अंदर आईपीएच से इसमें अपग्रेड किया है, तो आईपीएच के बाद में जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही गजब हो चुकी है, हाईवे की परफॉर्मेंस तो बहुत ही गजब हो चुकी है। आपको पता होगा कि बेलनो की जो लाइट आती है ये टॉप मॉडल अल्फा मॉडल है, और इसकी जो हेडलाइट आती है फॉर्चूनर जितनी या आप कह सकते हो फॉर्चूनर के बराबर मानो या फॉर्चूनर से भी ऊपर मानो, इतनी गजब आती थी। अब इसके सामने इस प्रोजेक्टर के सामने भी ये फीकी पड़ रही है, तो आउटपुट बहुत गजब होने वाला है इसका, आपको दिखाता हूँ मैं इसकी वर्किंग और साथ में आउटपुट। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछ रहे थे फॉग लाइट के लिए, मैंने उन्हें कहा था कि रुक जाओ अभी, और वो इसी वजह से बोल रहा था मैं आपको रुकने के लिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है टेस्टिंग करनी थी मुझे। और वाकई के अंदर अगर आप देखोगे ना इसको, बहुत ही गजब आउटपुट है। कैमरा जस्टिस करता है नहीं करता अलग बात है, बट बहुत ही गजब आउटपुट होने वाला है, और स्पेशली उनके लिए जो हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, सिटी में तो है ही है बढ़िया, बट हाईवे के लिए क्योंकि अपनी लाइट्स वो सब बढ़िया के तरीके से काम नहीं करती हैं, वहाँ पर ये दोनों परफॉर्मेंस जो इसकी हाई बीम के अंदर भी, मतलब फॉग लाइट का हाई बीम और फॉग लाइट का ही लो बीम, दोनों के दोनों बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। इससे पहले बताया तो हम आपको एक बार लो बीम ऑन करना है इसकी, फॉग लैंप की लो बीम ऑन करना। तो अभी लो बीम ऑन कर दी है, ये आपको कट दिख गया, सामने का आउटपुट देख लो। सबसे अच्छी बात तो आपको लाइट है ही है। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये 10,000 रुपये की हल्की सी एक्सपेंसिव है, बट वर्थ प्राइस है। आपको एक एक रुपये में मतलब लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल सही स्पेंड किया है। अगर 7-8 हज़ार रुपये आप नॉर्मल उस लाइट में स्पेंड करोगे और इसमें सिर्फ 2,000 रुपये ऊपर लगे करोगे तो बहुत ही गजब आउटपुट मिलने वाला है। प्लस इसकी जो वारंटी है 1 साल आती है, जिसके अंदर आपको पूरा रिप्लेस करके देंगे जिनसे हमने लिए, डीजेस ऑटोमोटिव, जिनका आपको नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ये है कुछ प्रोडक्ट क्रिस्टलाइज बाय लेज़र फॉग लैंप्स के नाम से है, फॉग लैंप्स भी नहीं है, फॉग्स नाम से ही है, फिर मुझे लगता है पूरा नाम नहीं आ रहा होगा। तो ये कुछ इमेजेस वगैरह भी डाल रखी है इन्होंने, आप देख सकते हो। इसका स्पेशल जो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अभी आपको दिख भी रहा होगा, ये जो कट आता है इसके अंदर ये सबसे अलग है, और यही इसकी पहचान है आप बोल सकते हो। देखने पे अलग से क्या दिखता है इसके अंदर, तो यही चीज़ अलग से दिखती है। बिल्ड क्वालिटी अगर आप वीडियो के अंदर सब चीज़ देख ही लोगे, और अभी ये समथिंग वेंडर इसलिए आ रहा हूँ कि मैं नेट बंद कर रखा है। और वारंटी वगैरह, पावर कितनी है, शिपिंग फ्री है, सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और मंगवाना कहाँ से आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे डीजेस ऑटोमोटिव, इस पर क्लिक भी करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। साथ ही में इनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, आपको देखने हो कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पर इनका नंबर सेव करना है आपको, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा उनका नंबर, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है और जो भी आपको खरीदना है वो यहाँ से खरीद सकते हो। लाइट्स भी बहुत सारी हैं, फॉग लैंप्स भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स वगैरह हैं। तो आप देखो एक बार लो बीम की बात कर लेते हैं, उससे पहले एक बार लो बीम ऑन करना। आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टर के अंदर डिफरेंस है, ये ऊपर की तरफ जो ये कट दिया हुआ है अलग सा है, नीचे वाला तो अपना बिल्कुल गोल है प्रोजेक्टर जिस तरीके से नॉर्मली होता है, और ऊपर एक कट अपन को अलग से मिला हुआ है। अब इसका काम क्या है, अगर लो बीम ऑन करवाते हैं वापस से, एक बार लो बीम ऑन करना। तो अभी इसके अंदर लो बीम ऑन है और कट एक बार आप देखो, जो ब्लू कट आ रहा है ना, इसकी जो लो बीम ऑन है इसकी हाई बीम ऑन करवाता हूं मैं एक बार, हाई बीम ऑन करना। अब इसकी हाई बीम भी ऑन है, हालांकि ऊपर है देखो, इसकी भी हाई बीम ऑन है, तो आउटपुट आपको दोनों का कंबाइन मिल रहा होगा। बट अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, कि इसके अंदर दो हाई बीम इसके अंदर ऑन ऑन रखी है, और ऊपर से इसको भूल जाओ एक बार, फॉग लैंप के अंदर लो बीम ऑन है प्लस दो हाई बीम ऑन है। वो कैसे है, उसी वजह से मैंने इस लाइट को मॉन्स्टर लाइट बोला है और मॉन्स्टर फॉग लैंप बोला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, एक बार लो बीम बंद करवाता हूँ, लो बीम बंद करना। तो इसके अंदर हमको मिलती हैं दो LEDs, एक LED हमारी नॉर्मल जो प्रोजेक्टर का जो काम करता है उस तरीके से काम करेगी, दूसरी जो LED है वो है लेज़र LED, जिसका जो फोकस है जो स्पॉटलाइट की तरह रहेगा वो ऊपर लगी हुई है। अब मैं सिर्फ इसकी सिर्फ और सिर्फ स्पॉटलाइट वाली जो है हाई बीम ऑन करवाता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ हाई बीम ऑन है, और आपको
इसका मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकली, ये सिर्फ हाई बीम के टाइम पे आती है और ये स्पॉटलाइट के टाइम पे आती है। ये सिर्फ स्पॉटलाइट ऑन है, ऊपर वाली भी लाइट ऑन है, वो मैं आपको जब कंपैरिजन करूँगा तो प्रॉपरली इसको छुपा के दिखा दूंगा, और अभी भी लास्ट के अंदर दिखा दूंगा आपको मैं इनको ऊपर वाली लाइट को छुपा के। इसका सिर्फ और सिर्फ अभी जो है वो स्पॉटलाइट वाला लेज़र वाला ऑन है, अभी लो बीम और लो बीम का जो फ्लैप ऊपर होता है जो कि नॉर्मल आईपीएस के अंदर आता है वो ऑन नहीं है। एक बार लाइट पूरी ऑन करना, और ये ब्लू कट आया देखो आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग के अंदर। अब आप देखो आउटपुट क्या गजब वाला आउटपुट आ रखा है, लो बीम प्लस नीचे वाले लो फॉग लैंप में भी दो दो, हाई बीम प्लस ऊपर वाला हाई बीम, तो टोटल हाई बीम के अंदर नीचे दो और ऊपर एक, टोटल तीन अलग अलग हमको लाइट्स मिल रही हैं हाई बीम के लिए सिर्फ। तो अभी कुछ आपको दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर क्लोथ रख दिया है और यहाँ पे भी क्लोथ रख दिया है ताकि अपने जो गाड़ी की बीम्स हैं वो दिखेंगी नहीं अपने को। और आपको क्योंकि आपको पता होगा हमारे चैनल के ऊपर चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है और क्यों वो प्रॉपर कैसे काम कर रही हैं, क्या चीज़ रहती है उसके बारे में होता है। आपको कहीं भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ इस चीज़ को। तो इस लाइट फॉग लाइट की जो सिर्फ और सिर्फ हाई बीम है जिसको हम बोल रहे हैं लेज़र बीम, वो कैसे काम करती है वो आपको पता होगा, आपने नॉर्मली वीडियोस देखे होंगे, सबने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, खूब लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं पुरानी वाली लेज़र लाइट के, बट इस कॉम्बिनेशन वाली के किसी ने भी डाल रखा नहीं है और ना मुझे लगता नहीं किसी ने भी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे डाला हुआ। तो आपको सिर्फ इसका आउटपुट दिखाता हूं लेज़र का और कैसे दिखती है वो निकलने में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दो, मतलब इसके अंदर दो LED हैं, सिर्फ एक LED भी जलने वाली है वो सिर्फ स्पॉटलाइट वाली। तो एक बार ऑन करना, अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी हाई बीम वाली चालू है, आपको देखने मालूम चल जाएगा सामने, देखो ब्लू कलर की बीम नहीं दिख रही है, मतलब फॉग लैंप जो है अपने ऑन नहीं है। और साथ में आप एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, पहले जो लाइट थी अपनी पूरी साइड से साइड तक पड़ रही थी, मैं एक बार लाइट, हाँ तो पहले आपने देखा होगा कि अपनी जो पूरी बीम थी वो पूरी बराबर पड़ रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ इसकी हाई बीम ऑन है आपको देखने मालूम चलेगा, स्पॉट लाइट है दूर जा रही है, ये नज़दीक में कोई इफेक्ट नहीं दे रही, इसका कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे और दूर का ही है, इसलिए स्पॉट लाइट है या लेज़र लाइट अपन जो बोल सकते हैं। और आउटपुट आप यहाँ से देखो इसको एक बार, और दिखाने के लिए पहले बता देता हूँ कि आपको ऊपर लाइट देखो पूरी बंद पड़ी है अपनी, बिल्कुल भी आउटपुट नहीं है। और आपको क्योंकि ये काम तो कर ही चुके हैं अपन, साथ के साथ में एक काम और करते हैं कि नीचे वाली सिर्फ और सिर्फ फॉग लाइट्स को ऑन करते हैं, फॉग लाइट का ही सिर्फ आपको लो बीम दिखाऊंगा, फॉग लाइट का ही सिर्फ और सिर्फ आपको हाई बीम दिखाऊंगा, और क्या कॉम्बिनेशन का आउटपुट क्या गजब है आप देखो एक बार वीडियो में। लो बीम हाई बीम, तो हाई बीम दिख रहा हो आपको, ये वाला पार्ट जो है ना इसमें विजिबिलिटी इतनी अच्छी हो गई है। और आप ध्यान रखो कि ये सिर्फ फॉग लाइट है, अपने ऊपर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा और आप देख नहीं सकते इसके अंदर। और हाई बीम का ये आपको दिखा देगा, हाई बीम की, हाई बीम जल रही है आपकी, ऑफ करना देखो, हाई बीम ऑफ होते ही लाइट हट जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लेज़र जो बीम है उसके अंदर ही आ रहा है ये चीज़। आउटपुट बहुत ही गजब है रियलिटी में बोल रहा हूँ, अगर आप फॉग लाइट खरीदने वाले हो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, बट जो आउटपुट ना बहुत ही गजब है, आपको ना किसी लो बीम अपग्रेड करने की जरूरत है ना हाई बीम अपग्रेड करने की जरूरत है, सिर्फ फॉग लाइट अपग्रेड कर लो। और क्योंकि नेक्सॉन के अंदर हमारा कंटेंट जो नेक्सॉन के लिए रहता है तो नेक्सॉन में मस्त है, क्योंकि नेक्सॉन की हेडलाइट और बैलेंस इतनी पावरफुल नहीं आती है और अपने को उसके अंदर अपग्रेड करना ही पड़ता है। तो सिर्फ एक चीज़ अपग्रेड करो, फालतू बाकी चीज़ों में पैसा खर्ची मत करो, एक चीज़ से ही आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है। तो यार इस लाइट को, फॉग लैंप को वर्ल्ड का बेस्ट फॉग लैंप ऐसे नहीं बोल रहे, सच में इसका आउटपुट है। तो खर्चा करो तो एक बार करो वाली चीज़ है, और अभी इस टाइम पे सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है ना फॉग लाइट के अंदर वो यही है। तो अगर आप खरीदने वाले हो तो इस मॉन्स्टर विजन वाली फॉग लाइट को ही खरीदो। तो मैं आपको जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनसे, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो उनसे डायरेक्टली, और मैं कुछ खुद भी सेल नहीं करता हूँ, डायरेक्टली आप उन्हीं को जाकर कॉन्टैक्ट करो, उन्हीं से आप परचेज करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार आप कितने दे रहे हो, वो दे रहे हो, मैं कुछ भी सेल नहीं करता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी लाइट, क्योंकि मेरे को अभी तक की सबसे बेस्ट लाइट लगी है। और अगर कोई अपग्रेड करना तो वर्थ इट है, मॉन्स्टर विजन वाकई मॉन्स्टर है, और सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को। थैंक यू।
We'll be right back.